Hi guys, welcome to my channel. So today I came here with an update. मेरी आँखें तक नहीं खुल रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे. And दूसरी चीज़ कि कनाडा सच में समर्स में बहुत अच्छा लगता है. And I'll be showing you my backyard. आके मैं आज धूप सेकने बैठी हूँ और इतनी तिक्खी धूप है कि मतलब से यहाँ मैं बैठ गई हूँ. और ये हमारे यहाँ से मैं निकली हूँ. ये मेरे हमारे यहाँ का 20 मिनट का दरवाज़ा. मैंने आपको अपना नया होम टूर नहीं दिया. आई विल बी गिविंग यू माई न्यू होम टूर. तो ये रहा मेरा बैकयार्ड का सेटअप. यहाँ से कल ही हमारे मतलब और फ्लैटमेट्स ने ये पूरा बैकयार्ड क्लीन करा है. और हमको चेरी ब्लॉसम देखने के लिए हाई पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है. देखो सच अ ब्यूटिफुल ट्री हमारे घर के बाहर उग चुका है. और दिस इज़ फुल यू नो पूरा खिल चुका है. और ये देखिए ये हमारे सामने वालों का घर है. इन्होंने अपना ग्रास क्रॉस कट नहीं करा अभी तक. और ऐसे जंगली फूल लगते हैं यहाँ पर जैसे ये है. तो आज बैठी हूँ मैं भुजिया लेके जो कि इंडिया से लेके आई थी वो निकाली है आज. उसको लेके आई हूँ ऊपर कि थोड़ा सा हम यू नो धूप सेकेंगे एंड गुजिया खाएंगे. और ये देखिए कितना सुंदर लगता है. ये हमारे मतलब पास पास ही घर है. देखो दूसरा घर है तीसरा घर है अटैच्ड. ये देखो ने चला प्लेन हमारे पास से. क्योंकि यहाँ पता क्या है हमारे घर के पास विद इन 20 मिनट्स में वो है एयरपोर्ट है. झाड़ियों में कुछ लगता है करीब एक और पेड़ की शायद यहाँ काट दिए हैं. सच में बहुत गर्मी है. 23 को देखो आसमान कैसे साफ हो रखा है यहाँ का. यार इतने सुंदर फूल है ये. हाय हाय गाइस. सो ये मैं कल की वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ. तो आजकल जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ आ गया है समर्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट समर्स अच्छा है बट भाई बहुत गर्मी है. 23 है और इट इज़ मस्ट दैट यू वेयर ग्लेयर्स. तो हम लोग की आज क्लास थी. आफ्टर क्लास इट्स 6 PM आउट हेयर. और आप देख लो कितना सनी है. देख सकते हो. सी डॉली हाय बोल दो सबको. ए रही डॉली मुझे मेरा काट दे. ये बेचारी रोती रहती है जब देखो. ठीक है. और उसके अलावा अभी मैं आपको रास्ते में अच्छे अच्छे फूल्स दिखाऊंगी. मैं हम फ्ली मार्केट गए थे बट व्हाट हैपेंड मैं ना तब डॉक्यूमेंट करना भूल गई. तो आई थॉट कि क्या डॉक्यूमेंट करना है तब मैंने क्योंकि फ्ली वाली दिया हुआ था. तो अच्छा मेजर अपडेट क्या है कि यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. इट इज़ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा. तो एक टिप मेरी तरफ से ये है जब भी घर ढूंढो प्लीज़ वो वाला घर ढूंढो जिसमें हीटिंग प्लस कूलिंग वाला सिस्टम हो. जैसे हमारे वाले में कूलिंग वाला सिस्टम भी है. तो अभी जैसे गर्मी सर्दियों में हमारे घर गर्म रहते हैं अंदर से तो गर्मियों में व्हाट हैपेंड कि मतलब AC चल पड़ता है. तो इट इज़ 2 in 1. तो वैसे घर ढूंढो. और एक और टिप ये है कि घर वो वाला भी ढूंढो जिसमें ना टैप वाटर में मतलब जो आपका टैप वाटर है वो थोड़ा डिस्टिल्ड आए. क्योंकि यहाँ शायद आई एम नॉट श्योर अगर किसी को पता होगा तो कमेंट डाउन बोलो कि इनके टैप्स में भी कुछ है सिस्टम तो मेरे को वो पता चल जाए. और हम सस्ती शॉपिंग करके आए हैं. ठीक है फ्ली से. और क्या है अभी हम चले हैं घर की ओर चले हैं. शाम को शाम हो गई है
और मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कितना सुंदर हुआ है। ये देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है और हम बेचारे गरीब हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो यही यही स्टार्टिंग की स्ट्रगल्स हैं। यहाँ दो गाड़ी लेने को मैंने आपको लास्ट मतलब वीडियोस में बताया होगा कि हम ले सकते हैं, बट क्यों आपने इतना ज़्यादा यू नो डेप्थ चकना है आते ही, थोड़े टाइम स्ट्रगल कर लो बाद में ले लो। ये देखिए ये यहाँ के जंगली फूल है, ये ऐसे ही उग जाते हैं और मेरे ख्याल यहाँ घास काटी हुई है। ये देखो चिड़िया चहचा रही है। तो अभी का तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है बट भाई बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, तो इसलिए गाइस बी हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ये देखो ये मेपल वाली है, जो कैनरा का पत्ता है वो वाला पेड़ है, ये देखो इतना बड़ा पेड़ है ये, तो ये भी आ गया। इनमें बड़ा टाइम लगा है आने में। अरे अपने छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग आजकल बाहर निकल गए, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आउट हियर, घर के बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलग अलग फूल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ इट इज़ डिफरेंट, हम कुछ नया देख रहे हैं। ये देखो लिम्बू, तो यहाँ देखो ऑफिसेस ऐसे होते हैं, जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, ये ऑफिस इधर ही है, ये ऑफिस हाँ वो रहा, वो तो नहीं है जाए साड़ियों की लगी है, ठीक है, तो मतलब मेरे को लग रहा है इसके अंदर ही हो गए यहाँ पड़े हैं हमने। ये देखो जैसे ये है, हमको भी नहीं पता है अभी तो क्या क्या है यहाँ, देखो जॉब्स है, स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है इंश्योरेंस है, लॉ वाले हैं, सारे हैं यहाँ, ठीक है यहाँ नहीं वहाँ है, उस वाली लेन में लग रहा है मुझे अंदर। चलो फिर चलो आपको मैं पार्लर दिखाती हूँ, डॉली मैडम चली है आईब्रो बनाने, तो मैं आज तक कभी मतलब अब आज तक क्या कनाडा में एंटर होते हुए अभी तक आई हैवन मेड कोई भी पार्लर, होते तो यहाँ पार्लर वही वाले हैं मतलब अपने इंडियन से होते बैठे हुए अंदर, तो देखो इसके अंदर सारे मतलब ऐसे कोर्स भी है, देखो फिजियोथेरेपी सब कुछ है, इमिग्रेंट्स की कंट्री है ये, इनके अपने बंदे तो है ही नहीं है, मतलब इनके अपने लोग तो है ही नहीं है, हम ही बेचारे दूर दूर से हुए यहाँ पे। अच्छा मैं पास से दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखो लिमू, और एक चीज़ है यहाँ किसी ने कुछ बताया था यहाँ देखना, ठीक है देखो अमृत हमेशा ब्यूटी सैलून, चलिए ज़रा देखिए, पता नहीं है यार वीडियो फिल्म कर सकते हैं यहाँ की कि नहीं, बट पूछ के मैं देखती हूँ क्या है। हाय, तो अभी पता चला है अंदर शूट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली पार्लर्स में शूट नहीं कर सकते, तो डॉली गई है पार्लर, मैं बैठूँगी यहाँ, मैं सोच रही थी कि अंदर क्या ही बैठना, हवाई खा लेती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ उधर जाती हूँ पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाती हूँ, क्लोज शू पर्सेस बेल्टेड टाल स्ट्रेप एनीथिंग फॉर चैरिटी, ये अच्छा यार यूज क्लोदिंग है, आप देख सकते हो बस थिंकिंग कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ आराम से थोड़ी देर के लिए जब तक डॉली मैडम आती है, तब तक कि आराम से बैठ जाऊँ, बैठ गई हूँ आराम से यहाँ पे जब तक वो आती है, ठीक है मैंने किनारा पकड़ लिया है और वो आ जाएगी 15 से 20 मिनट, तो उसने बोला लाइन लगी है वेट करना पड़ेगा हम लोगों की, तो मैं इस पेड़ के नीचे बैठ चुकी हूँ और अच्छी अच्छी हवा ले रही हूँ, ठीक है, और सोच रहा हूँ कॉल कर लेते हैं। ये देखो मेरे को
कंपनी देने के लिए ये आ गई है मैडम। और ये एक चीज़ है इनकी यहाँ कैमरा में, ये ना पीछे पड़ जाती है और चोंच मारती है अगर इनका मीटिंग सीजन हो तो। जो लड़की है फीमेल है वो बड़ा दुखी करती है, पीछे भागती है लोगों की। सो इनसे भी लोगों को खतरा है, इलाज हो रही है यहाँ पे वगैरह कुछ खाने के लिए। चली होती है भाई, डरते भी नहीं है ये, ये नहीं डरते, दे आर वेरी यूज टू होम। देखो लगी है खाने, अपडेट। देखो भाई फाइनली तो हमार को देख के कुत्ते भौंक रहे हैं सड़क में, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं क्या घूम रहे फिर रहे हो। तो अब चले हैं हम घर, और हमारा घर वाला रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है क्योंकि इसमें पेड़ आ गए, पत्ते आ गए। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर हो गया यहाँ का कितना था स्टूडेंट जी, 28। सो देख लो आप 28 डिग्री सेल्सियस इज़ टू मच यार, मतलब पापड़ी बनने। और थोड़ा आगे आगे जाते हुए ये और इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इंक्रीज़ होता रहेगा टेम्परेचर। तो ये थी मेरी। और अच्छा अपडेट क्या देना था मैंने, अपडेट ये देना था कि जो भी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि यू शुड कम इन समर सीजन, वो सही बोलते हैं। मेरे को तो जैन का मिला था तो आई हैव टू कम, मतलब उस टाइम पे, बट मैंने खुद ने मई के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। मैंने अप्लाई करा था मई के लिए, एक मिनट यहाँ कहाँ ले लिया, ठीक है। फिर ओ देखो उसकी फ़ोटो ले लूँ मैं, फिर मैं कैरी ऑन करती हूँ, ठीक है। हाँ चलो देखेंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, मतलब हाँ तो सब लोग क्यों बोलते हैं कि आपको समर सीज़न में आज समर सीज़न में इसलिए आना चाहिए क्योंकि तुम लोग एक्सप्लोर कर सको। ओके समर सीज़न में एक्सप्लोर करने को ईजी हो जाता है, ठंड नहीं होती है, गर्मी होती है, यू कैन सी पीपल आउट, है ना, थोड़ा हलचल रहती है। सर्दियों में आओगे जैसे मैं आई थी दिसंबर में, इट वाज जस्ट लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ सुनती है क्योंकि इतनी ठंडी होती है बाहर बिना मतलब के तो कौन ही घूमेगा 17 डिग्री सेल्सियस में। दैट इज़ अ लॉजिकल थिंग टू डू कि घर में रहो। बट जैसे अभी है, अभी चहल पहल है, सारे लोग पार्क में होते हैं। और ये देखिए यहाँ का मौसम ऐसा है, क्या टाइम क्या हो रहा है मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताओगी, एक सेकेंड मांगा टाइम बताती हूँ टाइम क्या हो रहा है। देखो ये 7:30 है भैया कनाडा का, ये 7:30। और मैंने अपने इंस्टा पे 9 बजे का रील डाली है कि यू नो हाउ इट लुक लाइक्स एट 9, तो बड़ा ही बेहतरीन लगता है 9 बजे, ऐसे ही लगता है, बस थोड़ा सा हल्का हो जाता है जैसे हमारे शाम 5 बजे होता है ना, वैसे होता है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर, मौसम बादल सब अच्छा हुआ है। और अभी इस टाइम पे थोड़ा हल्का हल्का ठंडी कम कम हो गई है, दोपहर में तो भाई जलने वाले काम थे, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। और मेरी तरफ से अपडेट क्या है, मेरा ला मैंने अपने मतलब आज इन हॉस्पिटल मेल करा था, तो इतना लंबा प्रोसेस है हॉस्पिटल का, आई मस्ट टेल यू। अभी भी मेरा MMR का लास्ट वैक्सीन बचता है, तो दे टोल्ड मी कि वो कंप्लीट होने के बाद यू कैन यू नो प्रोसेस फर्दर। तो ऐसा नहीं है कि हम मजाक में जी कर ले, है ना, मजाक में सोचे कि थोड़ा बहुत काम कर लेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं। यहाँ हर एक छोटी चीज़ को सीरियस लिया जाता है, हर एक सर्टिफिकेशन का मैटर है। तो मतलब अभी मेरे को एक और महीना लग जाएगा क्योंकि मेरी एक और MMR की डोज़ बचती है, वो लेने के बाद
देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज़, आप जब सबसे पहले पहुंचो, जैसे मैं ओंटारियो में पहुंची थी, आप किसी भी प्रोविंस में पहुंचते हो, तो आप लोग अपना इंडिया वाला कोविड को ना यहाँ पर रजिस्टर करा दो। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपने सीधे लिख देना है रजिस्ट्रेशन, गूगल पे लिख देना है रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर कि इस प्रोविंस में आए हो, रजिस्ट्रेशन टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, उस नंबर आ जाएंगे, नंबर पे कॉल करो, नंबर पे कॉल करके वो तुम्हारे को पूरा समझा देंगे। वैसे साइट्स बनी हुई हैं पब्लिक हेल्थ ऑफ टोरंटो, उसमें जाके रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करो। उसके बाद एक और चीज़ है, एक तो रजिस्ट्रेशन हो गया आपको कि चलो दो डोजेज लगे, उसके बाद आपको यहाँ का सर्टिफिकेशन चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल के लिए, स्पेशली हॉस्पिटल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फिर आपका यहाँ का सर्टिफिकेशन मांगते हैं, क्योंकि कनाडा में बाहर का कुछ नहीं चलता है, सब यहीं का चलता है। उसके यू हैव टू फिर कन्वर्ट दैट सर्टिफिकेट। तो उसके लिए टुडे आई वाज कॉलिंग उनका, मतलब जब आपका रजिस्टर हो जाता है तो मेल आती है कि आपका रजिस्टर हो गया है और आप इस नंबर पे, अगर आपको यू नो अपना QR कोड वाला चाहिए तो आप बता दो। देखो कितना सुंदर लग रहा है पेड़। तो वो मैंने करा नहीं था, आई थॉट कि चल रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं इंडिया वाला ही दिखा दूँगी, कोई इतना बड़ा इट विल नॉट बी अ बिग डील। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे को वो भी कन्वर्ट करना है, मतलब वो QR कोड वाला लेना है। आई डोंट नो कि कितना टाइम तक आई हैव टू यू नो डू दैट। कल, क्योंकि उनका मंडे टू फ्राइडे है सर्विसेज प्रोवाइड, अपना सर्विस मंडे टू फ्राइडे करते हैं, उसके बाद अब मतलब आई हैव टू कॉल देम ऑन मंडे। मंडे का ये हो गया और बस यही था मेरा अपडेट। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बतानी थी बट मेरे को ना टाइम नहीं लग पा रहा है। तो आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो किसी चीज़ के भी रिलेटेड, क्योंकि मैं जो व्लॉग्स डालती हूँ एक्चुअली वो मैं ऐसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वाले नहीं डालती हूँ, मैं रैंडम ब्लॉग, जब मेरे पास टाइम मिलता है मैं रैंडम ब्लॉगिंग करती हूँ, उसमें मैं थोड़े बहुत अपडेट्स बता देती हूँ जो मुझे लगता है एट दैट मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स है, मटीरियल है, बट अगर कोई मुझसे जानना चाह रहा होगा तो बता देना, या मैं अपने अपडेट्स के साथ आती रहती हूँ तो मैं बीच में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बता के चली जाया करूँगी। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। और एक और मेरी तरफ से, मैंने आप लोगों को मैक्स डॉलरामा दिखा दिया है, डॉलरामा नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया, नेक्स्ट टाइम आई विल गो टू डॉलरामा, उसका वीडियो बनाऊंगी। नो फ्रिल्स दिखा दिया मैंने आपको, सनी दिखा दिया, और मैंने एक्चुअली मैं मॉल्स के वो भी बनाए थे फुटेज, तो मैंने डालने थे बट आई कैन नॉट मेक द ना, मेरे से व्लॉगिंग हो नहीं पाई वहाँ प्रॉपरली, बहुत लोग थे तो मैं कर नहीं पाई थी। तो मैंने उसके थोड़े बहुत क्लिपिंग्स है, वो मैं इसी वाले वीडियो के साथ सोच रही हूँ अटैच करने को कि कर दूँ। तो मैं तो सिर्फ ये, इसीलिए मैं ये वाला वीडियो इसलिए लेके आई थी कि मैंने आपको समर्स दिखानी थी, धूप लग रही है मैंने दिखाना था, और हम भाई थोड़ी खुशी हो रही है कि हाँ अब टॉप्स में आया गया है, अपने टी शर्ट्स में आया गया है, तो अब ठीक है। तो हम पहुँच चुके हैं घर, मतलब ये वाला रास्ता अब ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं है, पैदल ही चले उठते हैं हम तो। और एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, दे डू नॉट यू नो अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान देते हैं, तो लेटर ऑन क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या, कोई भी बच्चा आता है यहाँ सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। जब हेल्थ है तो ही वेल्थ है, अदरवाइज आप खुद सोचो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, बाद में वही सारा पैसा आपकी दो, यहाँ पर यू नो आपका मेडिकल इज़ फ्री, स्टिल यू हैव टू यू नो, मतलब थोड़ा सेक्टर का प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, और बाय। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों घर, अब रेस्ट टाइम है, और मेरा ना देखो इतनी गर्मी है, मेरा क्या बोलता है लाइनर निकल गया, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो दैट यू लाइक माय व्लॉग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, सी या।